नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? और कैसा चल रहा है आपका आरआरबी क्लर्क मेंस का प्रिपरेशन? आई होप काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। तो आरआरबी क्लर्क का रिजल्ट जब से आया है प्रीलिम्स का और लोगों का सिलेक्शन हुआ, तब से लोग मेंस की प्रिपरेशन के लिए जोरों शोर से लग गए हैं। और काफ़ी सारे लोग, चाहे वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में हो या फिर यूट्यूब में, पूछ रहे हैं कि कंप्यूटर का प्रिपरेशन कैसे किया जाए। तो एक एक चीज़ को बताऊंगा, फ्री पीडीएफ कहाँ से मिलेंगे, कौन सा यूट्यूब चैनल देखोगे तो कंप्यूटर में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि पिछले साल मैंने भी आरआरबी क्लर्क का एग्जाम दिया था और मैंने फाइनल सिलेक्शन लिया था और मुझे दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में पोस्टिंग मिली थी। उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया और अभी इंडियन बैंक क्लर्क में पोस्टेड हूँ। तो मुझे आइडिया है कि कहाँ से कंप्यूटर पढ़ा जाए, क्योंकि अब जो है कंप्यूटर का लेवल, चाहे जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर्स का लेवल, अब वो नहीं आता जो पहले आता था। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन, पहले शॉर्टकट कीज आते थे, ज़्यादा फुल फॉर्म आते थे, तो काफ़ी सारे आते थे क्वेश्चन जो इजी होते थे, डुएबल होते थे। लेकिन पिछले साल का जो पेपर था वो मल्टीपल चॉइस बेस्ड तो था ही, साथ में स्टेटमेंट कंडीशन बेस्ड था। जैसे कि एक स्टेटमेंट दे दिया क्वेश्चन में, उसके बाद तीन ऑप्शन दे दिए ए बी सी, अब आपको आंसर बताना है कि ए बी होगा या बी सी होगा या ए सी होगा। और ऐसे ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे जिसमें मैंने काफ़ी सारे गलती की थी। मैंने कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा समय दे दिया था आरआरबी पीओ में, जिसके कारण मेरा आरआरबी पीओ का मेन्स गड़बड़ा गया था और फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन फिर आरआरबी क्लर्क में मैंने टाइम को ये किया, क्योंकि देखिए कंप्यूटर में 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है? अगर आप एक एक क्वेश्चन में ज़्यादा समय देंगे तो फिर बाकी सेक्शन जो कि एक एक मार्क्स का होता है, क्योंकि कंप्यूटर का एक क्वेश्चन हाफ मार्क का होता है, तो बाकी क्वेश्चन से आप पीछे रह जाएंगे। तो इसीलिए बहुत ही सोच समझ के कंप्यूटर का पेपर आपको अपियर होना है। और कैसे आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरे साथ टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग जुड़ते रहते हैं और मैं उनको गाइड करता हूँ कि कैसे आरआरबी क्लर्क या आईपीएस क्लर्क का तैयारी मेंस का करें। तो फ्री पीडीएफ की बात पहले मैं करूँगा। ऑलिव बोर्ड का 2 पीडीएफ मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक ऑलिव बोर्ड का डिस्क्रिप्ट सब्जेक्टिव पेपर है यानी कि थ्योरी है, 54 पेजेस के पीडीएफ है, आप उसको डाउनलोड कीजिए। प्लस ऑलिव बोर्ड का 500 एमसीक्यू क्वेश्चन, यानी कि अगर आप पीडीएफ सब्जेक्टिव पढ़ लेंगे, सब्जेक्टिव मतलब थ्योरी, और उसके साथ एमसीक्यू बना लेंगे तो काफ़ी सारा प्रिपरेशन आप अच्छे से कर पाएंगे। साथ ही एक यूट्यूब चैनल का नाम मैं बता रहा हूँ, उसको आप लिख लिए नोटबुक में, अरोड़ा एजुकेटर, जिसके टीचर है सचिन अरोड़ा सर, ठीक है? या तो आप सचिन अरोड़ा लिखना या फिर अरोड़ा एजुकेटर लिखना, यूट्यूब में कुछ भी लिखोगे आ जाएगा उनका। अगर आप पढ़ के जाओगे कंप्यूटर, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 35 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन बना के आओगे, अगर आप फ्री पीडीएफ या फ्री वीडियोज देखोगे तो। और अगर पेड वीडियो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, बहुत ही सस्ती होती है उनकी पेड वीडियो, शायद 200 या 400 की होती है, तो मेरा गारंटी है आप 40 आउट 40 भी करके आ सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत मस्त पढ़ाते हैं। पिछले साल मैंने उनका सारा वीडियो देखा था। उनके वीडियो की खासियत यह है कि वो पहले थ्योरी पढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो पहले वो 2-3 क्लास थ्योरी लेते हैं, ठीक है? वीडियो में छोटी छोटी वीडियो होती है, 20 मिनट 25 मिनट की, आधा घंटा का ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद उसी से रिलेटेड एमसीक्यू करवाते हैं। तो उनका पढ़ाने का तरीका बहुत ही बेस्ट और अच्छा है, और मैं आपको मतलब गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप फ्री में, फ्री वाले उनके सारे वीडियोस अगर आप देख लेंगे, ठीक है, तो आप आराम से 35 आउट ऑफ 40 बना के आ सकते हैं। और अगर आपने पेड ले लिया तो 40 आउट ऑफ 40 भी कर सकते हैं। तो क्या क्या मैंने बताया आपको, ऑलिव बोर्ड का एक थ्योरी का पीडीएफ, ऑलिव बोर्ड का 500 एमसीक्यू जो कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसका लिंक आप वहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको लिंक के थ्रू पीडीएफ डाउनलोड नहीं करना है, अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट आपको पीडीएफ मिले, तो आप मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, वहां पे मैं डायरेक्ट आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही सचिन अरोड़ा सर का अरोड़ा एजुकेटर चैनल है, उनका कंप्यूटर का वीडियो आप देखना, पढ़ना, और काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे, ये मेरी गारंटी है। अब बात रखें करंट अफेयर्स की, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत